गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास फर्स्ट की इंग्लिश क्लास है जिसमें आज करेंगे यूज ऑफ दिस और दोस। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने दिस दैट का यूज़ पढ़ा था कि हम दिस का यूज़ और दैट का यूज़ कहाँ पे करते हैं। दिस का यूज़ मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ के लिए और पास की चीज़ के लिए करते हैं। कोई चीज़ जो संख्या में काउंटिंग में एक हो, सिंगुलर हो और वो हमारे पास में हो। जैसे मेरे पास ये डस्टर है तो मैंने कहा दिस इज़ अ डस्टर एंड टेबल है वो मुझसे दूर है और दैट इज़ अ टेबल। तो हम पास की चीज़ों के लिए दिस का यूज़ करते हैं और दूर की चीज़ों के लिए दैट का करते हैं। उसी तरीके से हम दिस और दोस का भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। दिस का यूज़ हम करते हैं पास की चीज़ों के लिए और दोस का दूर की चीज़ों के लिए। फ़र्क इतना है कि दिस दैट का एक चीज़ के लिए यूज़ होता है और दिस और दोस का एक से ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपको ऐसे खाली स्थान देंगे और आपको कहेंगे बोलेंगे कि आपको दिस और दैट इनमें से सॉरी दिस और दोस में से भरना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डैश आर एप्पल्स और डैश आर मैंगोस। ठीक है, ये दो सेंटेंस है अपने पास। तो आपको हम जैसे मैं यहाँ पिक्चर बना के दूँगी तो आपको पिक्चर देख के बताना है कि इसमें दीज या दोज में से क्या आएगा। जैसे यहाँ मैं बनाती हूँ एप्पल, ठीक है, ये मैंने क्या बनाए हैं, एप्पल बनाए हैं और इधर मैं बना रही हूँ ये क्या है, मैंगो। ठीक है, ये एप्पल है और ये मैंगो है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे कोई गर्ल है या कोई पर्सन है जो आपको कह रहा है, ठीक है, तो जैसे ये क्या है, ये ऐसे इशारा कर रही है कि दीज आर एप्पल्स और दोज आर मैंगोज, क्योंकि मैंगो जो है वो दूर है और एप्पल इसके इस गर्ल के पास में है। तो कहने का मतलब कि पास की चीज़ों के लिए हम लगाएंगे पास की चीज़ें हो और एक से ज़्यादा हो। जैसे ये एप्पल कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 एप्पल हैं और ये मैंगो भी 3 हैं, तो एक से ज़्यादा हैं। रूरल हैं तो हमने देश का यूज़ किया, ये पास में है तो देश का, ये दूर है तो दैट दोस का। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एप्पल वाले में दीज आर एप्पल्स और दोज आर मैंगोज। ठीक है, अभी और करते हैं इसका, तो ये मैंने क्या बनाए हैं, डॉग्स बनाए हैं और ये क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं माउस, चूहे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं हम क्या बोलेंगे, These are dogs and those are mice. ठीक है, क्या बोलेंगे, माउस का प्लूरल माइस होता है, हम क्या बोलेंगे इसको लिए, ये मेरे डॉग मेरे पास में हैं तो मैं क्या बोलूँगी, These are dogs, क्योंकि ये दो है ना, एक से ज़्यादा है ना, अगर एक होता तो मैं लिखती This is a dog और एक से ज़्यादा है तो These are dogs और those are, क्योंकि वो दूर हैं
दोज आर माइस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दीज आर डॉग्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोज आर माइस, ओके। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने बनाई है, ये क्या है, बॉल्स हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई है, बॉल्स बनाई है। और ये क्या है, बैट है। ये बॉल है और ये बैट है, ठीक है। तो ये बॉल्स मेरे पास में है, मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है और वो इशारा कर रहा है कि वो, जैसे वो बॉल्स बॉल्स के पास में है, तो क्या बोलेगा वो, दीज आर, ये क्या बोलेगा, दीज आर बॉल्स एंड दोज आर बैट्स, दीज आर बॉल्स और दोज आर बैट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से, इसी तरीके से आपको पेपर में भी ऐसे ही आएगा कि पिक्चर बना के देंगे, एक आपके पास होगी, कोई यहाँ पे खड़ा है, वो इशारा कर रहा है, जो वस्तु पास में है उसके लिए हम दीज लगा देंगे, यदि एक से ज़्यादा है, यदि सिंगल एक ही चीज़ है तो हम दिस लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो मान लो ये इशारा कर रहा है, दूर है चीज़, तो एक चीज़ है तो दैट लगा देंगे, और एक से ज़्यादा है तो हम दोज लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप अपने इसको नोटबुक में भी करोगे, इसकी बुक में से इसकी प्रैक्टिस भी करोगे।